दिस इज मी, जो पिछले पूरे साल घर में रहा, और इस बार अगर कहीं घूमने निकला तो सब लोग कहते, भैया कोई ऐश की जिंदगी काट रहा है ना, तो फात भाई तुम हो। भैया काट रहे हैं तो काट रहे हैं, आप भी काट लो, मना थोड़ी है। खैर, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आपके पास कसौल घूमने के लिए 48 आवर्स हों तो आप क्या करोगे? मैं बताता हूँ। दिस इज 48 आवर्स इन कसौल एंड तोश। स्टेप वन, कुछ दोस्तों को पकड़ो। जितने ज़्यादा दोस्त होंगे ना, उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। और इस स्टोरी में हम 18 थे। स्टेप टू, ग्रैब अ विंडो सीट, क्योंकि सारे पैसे व्यूज के हैं। बेस्ट सीट मैंने ऑलरेडी रिजर्व कर ली है। डेली टू कसौल इज रफली 15 आवर्स राइड। डोंट ट्रस्ट गूगल ऑन इट। लीव डेली बाय 6 PM सो दैट सुबह होते ही माउंटेन्स व्यू स्टार्ट हो जाएं। इन आवर केस वी टुक अ प्राइवेट मिनी बस। ये पूरी बस हमारी है, इसमें 18 बंदे सारे के सारे हमारे हैं। आओ जी। ये बीच में ढाबे पर रुको, चाय पियो, और हाँ, ट्राई नॉट टू चूज अ वेरी फैंसी रेस्टोरेंट। मर्जी है, जा भी सकते हैं, लेकिन हमें तो पलंग पर बैठ के चाय पीने का मजा लेना था। रादर देन दोस ट्रेडिशनल ढाबे जहाँ पे टेबल होती है, मेरे हिसाब से ये ज्यादा बेटर है। 16 आवर्स की ड्राइव, जिसमें से आपको 7 घंटे पहाड़ मिलेंगे, तो इसलिए अपने ड्राइवर से कह दीजिएगा रेस्ट कर लें, वरना आप रेस्ट इन पीस हो जाओगे। रास्ते में ड्राइवर साहब हो गए फ्लैट, वो सो गए तो भाई साहब अब जितने भी सो रहे थे सब उठ गए और पूरे टाइम गाने बजा बजा के सबने उन्हें जगाए रखने की कोशिश करी, लेकिन अब थक हार के उनको नींद लेनी पड़ी, अब वो अंदर सो रहे हैं मस्त, फ्लैट हो गए पूरे। स्लीप वेल ऑन योर वे सो दैट सनराइज मिस ना हो। टेक अ टी ब्रेक नियर मंडी टू एंजॉय द व्यूज। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हम लोग टी ब्रेक के लिए रुके हैं। अपने सफर में जहां मौका मिले वहां नाचिए, क्योंकि यहां आपको कोई जज नहीं करने वाला। आमिर कर 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 For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link, no time to waste. Mandi to Kasol is 4 hours drive. Book your hotel or a camp alongside the river. लेकिन ये ध्यान रहे, सर्दी में यहाँ टेम्परेचर डिप और हवाओं में तेजी ज्यादा रहेगी। बैग रखें, लंच करें एंड निकल जाए कसौल के फेमस छलाल ट्रैक पर। आज हम कहाँ जा रहे हैं आमिर? अभी कौन से ट्रैक पे जा रहे हैं? मुझे पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है यार। सोचने के बाद छलाल जा रहा है। छलाल बोलो, छलाल जा रहा है, मैं काट दूंगा। हाँ बोलो, छलाल जा रहे हैं। हम छलाल जा रहे हैं। Record deals, tell him talk to Colin for the quote. On record, off record, I still want the act, not the ghost. छलाल ट्रैक स्टार्ट होता है इस ब्रिज से। अगर इंस्टाग्राम के लिए तस्वीरें खींचनी हो तो यहाँ से आप अपना कैमरा निकाल लीजिए। स्ट्रेच हो गया था, इतना का होता है नहीं, लेकिन यहाँ ये सीन्स देख के, ये व्यू देख के, ये वाइब्स देख के सब वसूल हो गया। एकदम मुलायम पानी, नीला पानी।
track is a beautiful one due to its dense forest. Make sure not to rush on your way and रास्ते की हर एक खूबसूरत चीज को अपनी आंखों में बसा लें। आपको यहाँ कुछ प्यारे साथी भी मिलेंगे जो आपके साथ साथ चलेंगे। कसौल आए, पूरा पीछे ब्यूटी मिली, और अगर आपने शाहरुख का पोज नहीं मारा तो आप कसौल आए क्यों? हेड बैक टू योर कैंप। अब तक शाम हो चुकी होगी आई गेस, तो रात शुरू होने से पहले थोड़ा आराम कर लीजिए। एज मोस्ट ऑफ द कैंप हियर ऑर्गेनाइज डीजे नाइट्स एंड बॉनफायर। 3.5 किलोमीटर हम लोग गए और 3.5 किलोमीटर हम लोग वापस आए। अभी टेंट में थोड़ा सा हम लोग ने रिफ्रेशमेंट ली और अब हम जा रहे हैं चाय पीने। बाहर होगी बॉनफायर एंड डीजे नाइट्स। हवा चल रही है बहुत ज्यादा तेज मेरे भाई, क्या ट्रिपी ट्रिपी फीलिंग हो रही है। ठंड का ये आलम था कि बॉनफायर के पास नहीं उसके ऊपर बैठने के ख्याल आ रहे थे, लेकिन तभी डीजे वाले बाबू अपने फुल स्वैग में आ गए। निकलना है, उड़ जाओ, आलम, उड़ जाओ। सुबह जल्दी उठें एंड ट्राई टू अरेंज अ गर्म पानी, अदरवाइज टू सून होने के पूरे चांसेस हैं। आठ बज रहे हैं और हल्की हल्की धूप पहाड़ों पे आपको दिखाई देगी, बहुत थोड़ी थोड़ी सी, बहुत प्यारी प्यारी सी। अब हम लोगों को ट्रैक के लिए जाना। तोश सिकंदर भाई, कैसा एक्सपीरियंस रहा कल रात का? इट वाज एन ऑसम एक्सपीरियंस, बट आई पर्सनली फील इट वाज वेरी वेरी कोल्ड इन द मॉर्निंग स्पेशली, सो वी वर अंडर। सबसे ज्यादा परेशानी किस चीज में आई आपको? सीट में बैठते ऐसे लगता था जैसे सिल्ली में बिठा दिया है। हैवी नाउ, और पूरी खाऊंगा ना फिर मेरे को पता है सारा इंतजाम खराब हो जाना है वहाँ पे ऊपर जाके। हैवी हो जाएगा ना यार, थोड़ा लिथार्जिक होता है बंदा जब चलेगा ट्रैक भी करनी पड़ेगी। ट्रैक पे फ्रेश नहीं हो पाएंगे, कोई बाथरूम नहीं मिल पाएगा, जगह जगह का बर्फ पीली मिली, पानी डालने में परेशानी होगी। थोड़ी सी बर्फ पीली मिली तो वो तुम्हारी हरकत है, मैंने कैसे पीली जाएगी, मैंने कुछ खाया ही नहीं है। लीव कसौल बाय 8 AM और तोश के लिए निकल जाए। Everything I used to dream being real right now, now, now. If it wasn't working, I'ma work it out, 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 yeah. I keep on going till the lights go down, yeah. Till the lights go down. ये बिल्कुल इनिशियल स्टार्ट है जहाँ से रिवर पार्वती वैली शुरू होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये बर्फ है, यहाँ से पिघल रही है और ये सब बर्फ है और हल्की हल्की सी स्ट्रीम्स हैं। पहाड़ उधर हैं, बर्फ के इधर हैं, ग्लेशियर्स ऊपर हैं। तोश इज अ स्मॉल विलेज 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम कसौल। आप 17 किलोमीटर की ड्राइव और 3 किलोमीटर का ट्रैक कर सकते हैं या फिर पूरा सफर कार से कर सकते हैं, मर्जी है। Everybody know they got brilliance, but not everybody been searching. Everybody rap about money and hoes, but they got neither. Everybody knows, always been keeping it real. Every time that I spit in the flow, I've been going to get it, they not gonna forget it. I've been going up, they've been standing. Resting point. 3.5-4 kilometers ऐसा नहीं है कि आप सिटी में कवर कर रहे हो। पहाड़ों का काफी स्टीप होता है, ऊपर से काफी कर्व्स होते हैं, और विद दिस काइंड ऑफ ट्रैवल बैग difficult तो है। तोश कसौल की भीड़ भाड़ से दूर है, यहाँ ज्यादा फैंसी होटल्स तो नहीं है लेकिन व्यूज आपको हर रूम से मिलेंगे। I think I should remove my glasses. Wow. This is the view. I am the only reason I'm not putting on my glasses. हाँ, काफी चीजें ग्लासेस में छुप जाती है, थोड़ा आर्टिफिशियल लुक होता है, थोड़ा धूप से प्रोटेक्शन होता है।
क्या नज़ारा यार। और ये देखिए हमारे फहद भाई, ये तो थकने का नाम ही नहीं ले रहा भाई, इतना भारी बैग लेके ट्रैकिंग करे ही जा रहे हैं, करे ही जा रहे हैं। और यहाँ तो एक जैकेट में हालत ख़राब हो गई है, बहुत ताकत है भैया फहद में। फहद भाई सके तो नहीं आप? अभी मैं पैदल शिमला भी निकल सकता हूँ। ओह दिख रहा है भाई, बहुत एनर्जी है तुम्हारे अंदर सच में। और अब हम लोग एंटर कर चुके हैं तोश में। ये हैं सारे कॉटेजेस, होटल्स, और हमारा भी एक होटल यहीं है। तोश तक तो ठीक था कि हम लोग मेंटली प्रिपेयर थे, इतने किलोमीटर का ट्रैक है, लेकिन तोश के बाद जो हमारा होटल है भाई साहब, ये खड़ी चढ़ाई है। तोश पहुंचकर बैग रखो, लाइट फूड खा के निकल जाओ कोटला के लिए, विच इज अराउंड 3-4 किलोमीटर ट्रैक, और किस्मत अच्छी रही तो आपको यहाँ स्नो भी मिल सकती है। अभी हम लोग बस बैग रखे हैं और एक ट्रैक हमें और पता चला है कोटला का, और सबके सब गैदर हो गए हैं कि पहले जल्दी से वो निपटा दें क्योंकि उसके बाद शाम हो जाएगी। और ये हमारे 18 लोगों का ग्रुप, बच्चे ऐसे हुए। अगर जान की परवाह है तो शूज अच्छे ग्रिप के पहनिए, प्रेफरेबल है प्रॉपर ट्रैकिंग शूज क्योंकि यहाँ के रास्ते काफी नैरो एंड रफ हैं। दिस इज द वाटरफॉल। तोश तक का रास्ता पक्का था, लेकिन ये कोटला जहाँ हम जा रहे हैं ये रास्ता रफ है, ऐसा है, पूरा कच्चा रास्ता है, तो बहुत ध्यान से जाना पड़ता है यहाँ पे। और अगर आप स्पोर्ट्स शूज पहनकर आ रहे हो तो आई विल रिकमेंड कि आप यहाँ नहीं आओ। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें, तुम हमें मिल के ही नहीं दी। सिर्फ तुम्हारे लिए मैं दिल्ली से आया, तुम्हें देखने के लिए। आज तक कभी तुम्हें देखा नहीं, मुझे नहीं पता था तुम इतनी खूबसूरत होगी। तुम भी बचे हुए गाइस यहाँ फंस गए हैं। दोस्तों कब आओगे? आओ आमिर। चिंगम चटक गई, बाहर निकाल लो। चिंगम चटक गई कैसे, ठंड से? मैंने इसमें बर्फ लगा लिया, पूरे टुकड़े हो गई। ओ ऐसा होता है। आमिर और मुझे भूख लग रही है और अब हम लोग बर्फ खा रहे निकाल के। ये रही ना, ये निकालिए, लो एकदम प्योर बर्फ तुम्हारे लिए, खाओ। रेता है इसमें? ना ना रेता नहीं है। कैसी है, टेस्ट कैसा है? किसी के पास काला खट्टा है? ट्रैक पूरा हुआ, बर्फ देख ली, अब नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स तोश जहाँ पे हमने रूम किया था। और आज हमने हद से ज्यादा चले सिर्फ बर्फ देखने के लिए, हम लोग कहीं रुके ही नहीं है। कोटला से वापस आते टाइम सनसेट एंजॉय कीजिए, और पहाड़ों के एज पर अगर बॉनफायर के साथ चाय मिल जाए तो मिस मत करिएगा। इस व्यू में चाय पीने का मजा अलग ही है। आई थिंक वी आर एट द बेस्ट स्पॉट फॉर चाय। इससे बढ़िया क्या होगा यार, आप देख रहे हो जगह क्या है ये। वी फाउंड अ वेरी ब्यूटीफुल छोटा सा, अरे वाह यहाँ तो पूरी वाइब्स आ रही है।
Our journey was memorable one, not only because the place we went, but the bond we created among ourselves. And luckily, इस बार कोई भी दोस्त miss नहीं हुआ. Every journey is a blank canvas where you can draw your version of memories. This was mine. So, when are you drawing yours?